सुबह के 6 बजे हैं और मेरी फ्लाइट पेरिस में लैंड हो चुकी है। दोस्तों, योग माया की यात्रा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की हमारी मंजिल है फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो मैं पेरिस जाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ, तो उसके लिए ये मैंने एक बैग ख़रीदा है जो बैग सेफ की तरफ से है। वहाँ पर पेरिस में बहुत ज़्यादा पिक पॉकेट्स हैं, जेब कतरे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए ये ऐसा बैग ख़रीदा है जिसमें मेरे सारे सामान, मेरे पैसे सभी सुरक्षित रहें। सो इसमें इस तरह से खन है और मुझे इनकी तरफ से कोई पैसा नहीं मिला है, तो ये कोई उन एडवर्टाइजमेंट नहीं है, पर जिसमें आपको बता रही हूँ कि इसमें ऐसा लैच है जिसमें आप कुछ रख सकते हैं, बहुत से पॉकेट्स हैं। और जो मेन बात है इसकी, वो है इसकी ज़िप, जो इस तरह से आप जो बंद करते हैं फिर उसमें आप देखिए यहाँ पर उस ज़िप को आप ऐसे छुपा सकते हैं अंदर। सो जो भी कोई है वो एकदम से खोल नहीं सकता है, क्योंकि मैं इसके पहले 2-3 बार पेरिस जा चुकी हूँ और मेरे बैग को कई बार स्पेशली ट्रेन वगैरह में ओपन करने की कोशिश की गई है। सो इसलिए आप देखिए ये इस तरह से बंद किया जाता है, तो आप आराम से इसको बंद कर सकते हैं और ये ऐसा बंद हो जाएगा तो कोई भी इतनी आसानी से इसको खोल नहीं सकता है। और इसी तरह से इसमें एक और बैग है जिसमें यहाँ अंदर बहुत से सामान हैं, एक और खाना है जिसमें बहुत सी चीज़ें आप रख सकते हैं, पर इसका भी सेम चीज़ है कि इसकी जो ज़िप है वो बहुत ही बढ़िया सेम उसमें है, जिसमें आप इस तरह से इसको लैच लगा सकते हैं और इस तरह से इसको बंद कर दीजिए लैच लगा को। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लगाना, पर एक बार अगर लगा लें आप और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा तो ये बहुत आसानी से बंद हो जाता है। तो देखिए इसके बाद में कोई इसको खोल नहीं सकता है, तो ये बहुत ज़रूरी है पेरिस की। तो इसमें मैं अपने सारे सामान रखूँगी ले जाने के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करके ये भी बताती हूँ मैं। तो ये बहुत अच्छा है, इतना आसानी से इसको जो थिक है उसको टांगने में भी बहुत आसानी होती है। सो ये मेरी पेरिस जाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो ये मेरी राइड आ गई है मेरे को लेने के लिए। अब मैं एयरपोर्ट पे जा रही हूँ यहाँ बॉस्टन से पेरिस के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉस्टन की एक बहुत बड़ी टनल है जिसको बिग डिक के नाम से जाना जाता है। ये एयरपोर्ट के रास्ते में आती है, इसको बनने में करीबन 10 साल लगे थे। यहाँ पर निकल चुकी हूँ मैं, काफ़ी लंबी लाइन रहती है सिक्योरिटी की, सो वहाँ से निकल कर ये बॉस्टन एयरपोर्ट है। अब मैं लाउंज में जाने वाली हूँ। तो ये है एयर फ्रांस एयरलाइन जो है उसकी लाउंज है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ दिख रही है, भरी हुई है। देखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर बैठने की कहाँ जगह मिलती है। फ्रूट्स हैं केस में, दही है, ब्राउनी है, बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे खाने, खाने कम है। तो मैंने जो वो फ्रूट्स फल वगैरह और दही देखा तो मुझे लगा सिर्फ उतना ही खाना है, पर अब मैं यहाँ पर चलकर देख रही हूँ तो बहुत सारा खाना यहाँ पर भी रखा हुआ है। यहाँ पर भी कुछ एक फ्रूट्स हैं, सैलेड है, कीनोआ जो एक तरह की ग्रेन होता है वो है दलिये जैसा, फिर यहाँ पर ब्रेड्स हैं और पास्ता है, पास्ता के सॉस के साथ में, और यहाँ पर सारी सब्जियाँ हैं उबली हुई,
और थोड़ा सा उनमें मसाला डला हुआ है, पानी और नींबू पानी वगैरह है। और यहाँ पर अगर किसी को ड्रिंक्स करना हो तो वो भी है यहाँ। मुझे कोई ज़्यादा भूख नहीं है तो मैं सिर्फ कॉफ़ी बना रही हूँ अपने लिए। थोड़ी देर आराम करने के बाद में अब मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया है और बोर्डिंग प्रोसेस शुरू हो गई है। सो मेरी सीट सबसे आगे थी तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर बिज़नेस क्लास में, और ये मेरी सीट है। अच्छी कंफर्टेबल दिख रही है, एयर फ्रांस की है। सो वैसे मास्क का तो निकल चुका है पर उन लोगों ने दिया हुआ है जस्ट सेफ्टी के हिसाब से मास्क, सैनिटाइज़र, और ये रात की फ़्लाइट है तो टूथब्रश, टूथपेस्ट, सॉक्स वगैरह जो जनरली देते हैं वो भी है। शुरुआत में ऑरेंज जूस दिया हुआ है और ये मेन्यू है जिसमें जनरली एक शुरुआत का स्टार्टर कोर्स रहता है, फिर मेन कोर्स है, और बाद में फिर कुछ मीठा भी वो लोग देते हैं। Oh, special meal. Okay. Yeah. Yeah, I wasn't sure because my admin books, so I wasn't sure whether she did the vegetarian or not. Yes, it's vegetarian. Just keep it like this. Oh, okay, perfect. Thank you. What was your aqua drink? Can I get some hot water, please? Hot water, yeah. Just in the mug. In the mug would be good. Okay. Thank you. Would you like some bread? Yes, please. Plain or white? Green is Maybe good. Yeah. Two pieces. I think one piece is good enough. Okay. Thank you. Anything else? That's all. I'm coming back with the hot water. Officially. Yes, please. Yes, please. तो ये सब्जियाँ वगैरह दी हैं और एक ब्रेड, और साथ में मैंने गर्म पानी मंगाया था तो गर्म पानी में नींबू डाल के लेके आए हैं। तो मेन कोर्स अब आने वाला है। उन लोगों ने शुरुआत में सब्जियाँ जो दी वो खाई मैंने सैलेड के हिसाब से, और अब वो मेन कोर्स सर्व कर रही हैं। ओके, सो दिस इज ये मेन मील है, उसमें चावल, सब्जी और ब्रोकली उबली हुई है। सो खाना खा लिया है अब मैंने, और सोने की तैयारी कर रही हूँ। पूरा बिस्तर बना लिया है यहाँ पर, और बिस्तर फ्लैट हो गया है, सीट फ्लैट हो गई है, बिस्तर हो गया है, और टीवी बंद करके अब मैं विंडोज़ भी बंद कर देती हूँ तो बाहर से जो थोड़ा सनलाइट है वो नहीं आएगा। और अब मैं सोती हूँ, फिर सुबह पेरिस में मिलते हैं। सुबह के 6 बजे हैं और मेरी फ़्लाइट पेरिस में लैंड हो चुकी है। सो प्लेन से डीबोर्ड हो चुके हैं और अब हम लोग अपने बैगेज क्लेम की तरफ जा रहे हैं। सो मेरा बैग आ चुका है और अब मैं जाती हूँ ATM पे थोड़े यूरोज निकालने के लिए, क्योंकि कई बार टैक्सी वगैरह में वो लोग सिर्फ कैश ही लेते हैं और क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का मेरे चैनल को देखने के लिए। आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं हम पेरिस के दूसरे एपिसोड में।